हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पोगो क्लास। टुडेज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट लेसन नंबर 14 ऑफ क्लास 3 ईवीएस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट नेम ईवीएस और चैप्टर नेम इज डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथिस। कपड़े हैं ना जो हम वियर करते हैं, पहनते हैं, उसके अलग अलग प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सब अलग अलग एज के जो पर्सन है वो अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं, प्रकार के, है ना। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए रंग बिरंगी यहाँ पे ड्रेस है, इस प्रकार से आप पहनते हैं और इसको आप कॉपी में ड्रा भी कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा, है ना। जैसे किसी किसी के मम्मी या पापा भी यहाँ पे कपड़ा स्टिच करते हैं, सिलते हैं ना। यहाँ पे पिक्चर में आप देख रहे हैं ये सीविंग मशीन है। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कपड़ों के प्रकार। ऑन द फेस्टिवल ऑफ दिवाली राजूस फैमिली गेव क्लॉथेस टू द टेलर फॉर स्टिचिंग। यहाँ पे बोला जा रहा है फेस्टिवल, है ना, दिवाली के त्योहार में सब नए नए कपड़े पहनते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे राजू का फैमिली है, परिवार है, फैमिली मीन्स परिवार होता है। गेव मीन्स देना, क्लॉथिस मीन्स होता है कपड़ा, टेलर मीन्स होता है दर्जी, स्टिचिंग मीन्स होता है सिलाई करने के लिए। फेस्टिवल दिवाली के त्योहार पर राजू के फैमिली परिवार ने क्या दिया, कपड़ा किसको दिया, टेलर को सिलाई करने के लिए दिया। एट कोटेलाल छोटेलाल टेलर्स शॉप पीपल वेयर अवेटिंग देयर टर्न टू गेट द क्लॉथिस स्टिच्ड। जो टेलर है उसका नाम है छोटेलाल। टेलर के दुकान पर जो लोग है वो वेट कर रहे थे कपड़ा सिलाई करवाने के लिए। द क्लॉथिस ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, एल्डर्स मीन्स बड़े, एंड ग्रैंड फादर मीन्स दादा जी का, है ना। कपड़ा जो है सिलाई करने के लिए दिया गया था छोटेलाल। द टेलर हैड नो टाइम्स, है ना, छोटेलाल टेलर के पास टाइम ही नहीं था। डिफरेंट डिजाइनर क्लॉथिस वेयर हैंगिंग इन ही शॉप, उसके जो दुकान है वहाँ पे अलग अलग प्रकार के कपड़ा टंगा हुआ था, है ना, अच्छे सुंदर सुंदर डिजाइन वाले, देखे इस प्रकार से उसके दुकान में टंगा हुआ था। जो भी टेलर है वो सिलाई करने के बाद कपड़ा प्रेस्ट वगैरह करके क्या कर देता है, हैंग कर देता है, या तो फिर कहीं पे रख देता है। चले और देखते हैं। द फैमिली मेंबर्स ऑफ योर हाउस मस्ट हैव गिवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथिस फॉर स्टिचिंग। आपके उसके जो राजू के फैमिली मेंबर्स हैं उस वो क्या अलग अलग प्रकार के कपड़ा दिए थे सिलाई करने के लिए, वो यहाँ पे है। देखिए जैसे आपके घर में कौन कौन कैसे पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के कपड़ा पहनते हैं ना आपके घर में, उसको आपको बताना है सिलाई करने के लिए देते हैं। जैसे योर ब्रदर्स, आपके ब्रदर कौन कौन से प्रकार के कपड़ा पहनते हैं या सिलाई करने के लिए देते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं शर्ट पैंट। अब योर सिस्टर, सिस्टर क्या पहनती है, लहंगा चोली फ्रॉक कुर्ती सलवार, है थ्री है। योर मदर, आपकी मम्मी क्या पहनती है, ब्लाउज साड़ी, है ना, सिलवाने के लिए भी देते हैं उसको, जैसे पीको फाल वगैरह करवाते हैं तो साड़ी को। योर फादर, आपके पिताजी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं ना, कोई कोई धोती बंगाली कुर्ता इस प्रकार से। फाइव है योर ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर क्या पहनते हैं, कुर्ता धोती पहनते हैं, उसको सिलवाने के लिए प्रेस करने के लिए भी दे सकते हैं। आगे देखिए, क्लॉथेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड हीट रेन एंड डस्ट। जो कपड़ा है ना वो हमें बचाता है, प्रोटेक्ट मीन्स सुरक्षित रखना बचाना, कोल्ड मीन्स ठंडी, हीट मीन्स गर्मी, रेन मीन्स वर्षा, डस्ट मीन्स धूल से बचाता है। ट्राई कवर वन बॉड आवर बॉडी एंड मेक अस लुक ब्यूटीफुल। जो कपड़ा है वो हमारे बॉडी मतलब शरीर को पूरी तरह से क्या करता है, कवर करता ढकता है और हमें ब्यूटीफुल बनाता है ना। वियर करते हैं तो उसकी अलग पहचान बनती है और डिजाइनर पहनते हैं ना, और हमें सेव भी करता है, और जो कपड़ा पहनने से आपकी पर्सनैलिटी का आपकी लुक का अच्छा से
झलकता है। आगे देखिए, कैन यू टेल विच काइंड ऑफ क्लॉथेस आर वॉर्म एंड इन विच सीजन आर दे वॉर्न। कैन यू टेल मतलब क्या आप बता सकते हैं कौन से कपड़ा है ना, किस प्रकार का जो कपड़ा है आर वार्म गर्म रखता है आपको, इन विच सीजन कौन से सीजन में दे वॉर्न, कौन से सीजन में आप उसको पहनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कॉटन क्लॉथेस कीप अवर बॉडी कूल एंड ऑब्जर्व अवर रिस्पिरेशन, है ना, क्या करते हैं कॉटन कपड़ा मतलब सूती कपड़ा हमें क्या करता है ठंडा रखता है और हमारे पसीना को सोखता है, ऑब्जर्व कर लेते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथेस इन समर सीजन, गर्मी के सीजन में हम कॉटन क्लॉथेस पहनते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहता है तो हमें हल्का हल्का कपड़ा पहनते हैं और हमारा पसीना जो सूती कपड़ा सोख लेते हैं और हवा का भी आदान प्रदान होता है जिससे हम कूल कूल महसूस करते हैं। नाउ टेल व्हाई डू वी वियर वूलन क्लॉथेस, अब आपको बताना है वूलन मिस ऊनी कपड़ा हम क्यों पहनते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा, ऊनी कपड़ा हम ठंडे के मौसम में पहनते हैं ताकि हम अपने आप को ठंडी से बचा सकें। वी वियर वूलन क्लॉथेस बिकॉज वी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, हम अपने आप को ठंडे से सुरक्षित रखना चाहते हैं। देखिए इस प्रकार से पिक्चर में, ये समर का है, ये विंटर सीजन का है, अब रेनी सीजन का देख लीजिए। व्हाई डू वी यूज अ रेनकोट एंड एन अम्ब्रेला, हम रेनकोट और अम्ब्रेला क्यों यूज करते हैं। सो आपका आंसर आ जाएगा, वी यूज अ रेनकोट एंड एन अम्ब्रेला बिकॉज वी प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, क्योंकि हम अपने आप को किससे बचाना चाहते हैं, पानी से बचाना चाहते हैं, उसके लिए हम रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज करते हैं। वी वियर कलरफुल क्लॉथेस ऑन स्पेशल ओकेजन, है ना, हम रंगीन कपड़ा पहनते हैं स्पेशल ओकेजन मतलब जैसे विशिष्ट त्योहार में, है ना, जैसे दिवाली, होली, दशहरा, नवरात्रि, रक्षाबंधन, इसमें हम नए कपड़े पहनते हैं। द क्लॉथेस वी यूज आर मेड अप ऑफ कॉटन सिल्क वुड, कपड़ा वी यूज आर हम उपयोग करते हैं कॉटन मीन्स सूती कपड़ा, सिल्क कपड़ा, ऊनी कपड़ा। वी गेट वूल फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप, जो शीप है ना, उल ऊनी कपड़ा हम कहाँ यूज करते हैं, सिप, सिप कहाँ से, सिप से ऊनी, उसके हेयर से ऊनी कपड़ा बनाते हैं। एंड सिल्क फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म्स, जो रेशम कीड़ा है वहाँ से हम लोग रेशमी कपड़ा निकालते हैं। वी शुड ऑलवेज कीप आवर क्लॉथेस इन अ सेफ प्लेसेस, है ना, वी शुड ऑलवेज हम हमेशा कपड़ा कहाँ रखते हैं, अच्छे जगह में रखते हैं, क्लॉथेस इन अ सेफ प्लेसेस, सुरक्षित स्थान में रखते हैं। अदरवाइज द रैट्स और इंसेक्ट माइट स्पॉइल देम, अदरवाइज अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रखेंगे तो चूहा और जो कीड़ा है उसको क्या कर देते हैं, कुतर देते हैं या तो फिर खराब कर देते हैं। ये जो हो गया आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। आगे हम लोग देखते हैं, आप पढ़े हैं तो क्या क्या सीखी हैं उसके बारे में देखेंगे। टू बी टेकन अप ओरल, ओरल क्वेश्चन है, फर्स्ट है विच क्लॉथ डू यू वियर व्हेन यू कम टू स्कूल, विच क्लॉथ मतलब कौन सा कपड़ा आप वियर मिस पहनते हो व्हेन, जब आप स्कूल जाते हैं, है ना, स्कूल जाते हैं तो सबका एक विशिष्ट क्लॉथ होता है जिसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म पहन के हम कहाँ स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म का स्पेलिंग हो जाएगा UNIFORM, यूनिफॉर्म। क्वेश्चन टू है वेयर डू यू कीप यूर क्लॉथेस इन यूर हाउस, आप अपना जो कपड़ा है ना कहाँ रखते हैं, आपके घर में अपना कपड़ा आप कहाँ रखते हैं, तो आप कबर्ड में रखते हैं,
या तो फिर अलमीरा. तो आवर क्लॉथ इज केप्ट, है ना, आवर क्लॉथ इज केप्ट इन आवर हाउस अलमीरा, बॉक्स या बैग में रखते हैं. अब रिटर्न टास्क का देखिए, फिर यस और नो इन द बॉक्स गिवन बिलो. फर्स्ट है वी वियर कॉटन क्लॉथेस इन समर. समर में हम किस प्रकार के कपड़ा पहनते हैं, कॉटन, सूती कपड़ा, है ना, तो यहाँ पे यस आ जाएगा. सेकंड है कॉटन क्लॉथेस कीप अवर बॉडी वार्म. क्या कॉटन कपड़ा है ना, जो सूती कपड़ा है वो पतला रहता है, हमारे बॉडी को गर्म रखता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नो. थर्ड है वी यूज अम्ब्रेला इन रेनी सीजन. रेनी सीजन में हम क्या यूज करते हैं, अम्ब्रेला, है ना, पानी से बचाने के लिए अपने आप को अम्ब्रेला यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यस. फोर्थ है पीपल वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथेस इन डिफरेंट सीजन. तो अलग अलग सीजन में हम अलग अलग प्रकार के कपड़ा पहनते हैं, ये सही है, तो यहाँ पे यस आ जाएगा. सेकेंड है फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे वर्ड दिया है, इसको आपको ब्लैंक्स में फिलअप करना है, तो चलिए रीड करते हैं. वी वियर, वियर मीन्स पहनना, ब्लैंक्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन कोल्ड एंड रेन्स. इससे बचाने के लिए हम क्या पहनते हैं, कपड़ा, तो यहाँ पे क्लॉथिस आ जाएगा. सेकेंड है वी गेट उल फ्रॉम ब्लैंक्स फॉर उलन क्लॉथिस. उलन मीन्स ऊनी कपड़ा हम किससे प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीप, एस एच ई ई पी. थर्ड है वी यूज ब्लैंक्स टू मेक अवर क्लॉथिस अपियर्स अट्रैक्टिव. हम कौन सा चीज़ ऐसा यूज करके अपने कपड़ा को अट्रैक्टिव, मतलब शानदार, चमकदार बना सकते हैं, आकर्षित बना सकते हैं, तो क्या जाएगा, कलर. क्वेश्चन नंबर 3 है राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट क्लॉथेस. अलग अलग प्रकार के कपड़ों का नाम बताना है ना. अभी हम लोग पढ़े हैं ना, हमारी दीदी बहन भाई क्या क्या पहनते हैं उसको हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे आ जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथेस आर शर्ट, पैंट्स, फ्रॉक, कुर्ती, सलवार, साड़ी, ब्लाउज. यहाँ पे आप देख सकते हैं साड़ी, ब्लाउज एक्सेट्रा. क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स मेड ऑफ क्लॉथेस इन योर हाउस. आपको नाम लिखना है डिफरेंट टाइप, अलग प्रकार का जो कपड़ा है आपके घर में, है ना, कपड़े से जो भी कपड़ा, कपड़े से कौन कौन सी चीज़ें बना है उसका नाम लिखना है. तो हमारे घर में कौन कौन सी चीज़ें बनी, देखिए, कारपेट, बैग एंड कर्टन. कारपेट मीन्स चटाई होता है ना, बैग मीन्स थैला यूज करते हैं बैग, एंड कर्टन मीन्स होता है पर्दा. आर मेड अप ऑफ क्लॉथेस इन आवर हाउस. ये जो है हमारे घर में कपड़ा से बना हुआ है. ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गया चैप्टर 14 का. इसको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और पढ़ना है. ओके दोस्तों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.